Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. गोल्ड की कीमतों को लेकर लोगों में हमेशा दिलचस्पी बनी रहती है। निवेशक इसकी कीमतों में आने वाली तेजी और गिरावट को मुनाफे और नुकसान के नजरिए से देखते हैं, तो ज्वेलरी के खरीदार कीमतों में कमी का इंतजार करते हैं। हाल ही में चीन के सेंट्रल बैंक ने गोल्ड की खरीदारी घटाई तो सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिला था। फिलहाल चीन के अलावा कुछ और देशों के सेंट्रल बैंक शायद शॉर्ट टर्म में सोने की खरीदारी से परहेज करें। ये बैंक पिछले 2-2.5 साल में सोने की खरीदारी को लेकर बेहद आक्रामक रहे हैं। ऐसे में इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर गोल्ड में निवेश करें या नहीं, क्योंकि मई में जहां स्पॉट गोल्ड $2,449.89 प्रति औंस के रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच गया, वहीं फिलहाल ये $2,330 प्रति औंस के भाव पर है। ऐसे में इस गिरावट से निवेशकों का चिंतित होना लाजमी है, लेकिन हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC के एक सर्वे के बाद निवेशकों के कई सवालों के जवाब मिल गए। WGC के 2024 सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व यानी CBGR सर्वे में कहा गया कि 29% सेंट्रल बैंक अगले 12 महीने में अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। पिछले साल के सर्वे में 24% दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व में इजाफा करने की बात कही थी, जबकि 2022 में 25%, 2021 में 21%, 2020 में 20% और 2019 में 8% सेंट्रल बैंक्स ने अगले एक साल में गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की बात कही थी। 2019 से किए जा रहे WGC के इस सर्वे में साल गोल्ड की खरीदारी को लेकर केंद्रीय बैंकों ने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया। WGC के सर्वे के मुताबिक केंद्रीय बैंक आगे भी सोने की खरीदारी इसलिए जारी रखेंगे, इन बैंकों के लिए भू राजनीतिक तनाव और महंगाई, ब्याज दर जैसे माइक्रोइकोनॉमिक फैक्टर्स ज्यादा मायने रखेंगे। पिछले साल के सर्वे में ये बात सामने आई थी कि केंद्रीय बैंक सोने के ऐतिहासिक महत्व के चलते इसकी खरीदारी करते हैं, लेकिन इस साल के सर्वे में ये 5वें स्थान पर खिसक गई और सोने की महंगाई को मात देने की ताकत सबसे बड़ी वजह बन गई। खरीदारी की दूसरी बड़ी वजह इस कीमती धातु का संकट के दौर में प्रदर्शन है, जबकि तीसरी वजह पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके सोने की भूमिका, और चौथी वजह डिफॉल्ट को लेकर सोने का जोखिम रहित होना है। अगर सोने की खरीदारी को लेकर बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 2023 में 1037 टन सोना खरीदा था, जो दूसरी बड़ी खरीदारी थी, जबकि 2022 में की गई 1082 टन की खरीदारी अब तक का रिकॉर्ड है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में गोल्ड खरीदार बीते 2 साल के रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र ₹159 महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।